उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया है। जिले के पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज करवाने आए बुजुर्ग को ई रिक्शा में बिठाकर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। वहीं ग्लूकोज की बोतल को भी ई रिक्शा में बांध दिया गया। वहीं 1-7 साल की बच्ची का भी अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा था। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि मामला पूर्वा ब्लॉक क्षेत्र अधीन खेड़ा निवासी ठाकुर प्रसाद पुत्र विष्णु ने बताया कि पेट में दर्द हो रहा था। वह बैटरी वाले ई रिक्शा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा आकर डॉक्टर को दिखाया, जहां स्वास्थ्य समुदाय में पंखा न चलने के कारण डॉक्टरों ने उनका इलाज बाहर ई रिक्शा पर ही शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्लूकोज टांगने वाले स्टैंड को भी ई रिक्शा से ही बांध कर उस पर ग्लूकोज लटका दिया। पीड़ित उपचार कराने के लिए उसी ई रिक्शा में तब तक बैठा रहा जब तक कि ग्लूकोज की बोतल उसे चढ़ नहीं गई। वहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर सीएमओ सत्यप्रकाश ने बताया कि रिक्शे में इलाज का वायरल वीडियो के मामले की जानकारी सामने आई है। वहीं मामले की जांच कर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी, जबकि अस्पताल में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।